अच्छा सर भाई, चलता हूँ यार, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। बस यार ये समझ नहीं आ रही कि चश्मा बन के क्रिकेट कैसे खेलूँ। तो चश्मा पहन के लोग क्रिकेट ही खेलते क्या? तुमने नहीं मतलब कि लेंस लगाते हैं यार आधे ज़्यादातर। कभी किसी को चश्मा पहन के क्रिकेट खेलते नहीं देखा? क्यों, देखा है लेकिन मामूल आपको ही देखा है, गालियाँ देते हैं लोगों से चश्मा पहनने की वजह गाड़ी देता है? फिर खेलने की वजह से क्या कहते हैं? पच्ची पच्ची बुलाते हैं। अबे यार भाईजान, पूरी टीम बना के दे रहा हूँ 12 खिलाड़ियों की, जो चश्मा पहन के। इसमें विकेट कीपर भी है, इसमें बॉलर भी है, इसमें स्पिनर भी है, इसमें ओपनर भी है, इसमें बैट्समैन भी है, ठीक है? और वो जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें डर है कि वो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे चश्मे की वजह से नहीं हंसेंगे, वो तो किसी और वजह से हंसेंगे। अभी बनाते हैं टीम को। सबसे पहले बैटिंग ओपन करने आएंगे इमाम उल हक के साथ होंगे भारत के मायानाज ओपनर वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, और जहां स्कोर किए वो था मुल्तान। इमाम उल हक की जाए पैदाइश। तीसरे नंबर पे आएंगे ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर अब्बास चंद ही मैचों में बग़ैर चश्मे के नज़र आए हैं। इसमें एक मैच 1979 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हार गया था। वेस्ट इंडीज़ की क़यादत कर रहे थे क्लाइव लॉयड, जो ख़ुद भी चश्मा पहना करते थे। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले क्लाइव लॉयड ने वेस्ट इंडीज़ को 2 आलमी टाइटल जितवाए। नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन पर इंग्लैंड के डेविड स्टील और इंग्लैंड के ही विकेट कीपर बॉल किप जो हैं वो मौजूद होंगे। बॉल किप के बाद डैनियल बिटोरी आएंगे, न्यूजीलैंड के मायानाज ऑलराउंडर। डैनियल बिटोरी ने अपनी टीम को कई फतूहत दिलवाई हैं। उसके बाद अनिल कुंबले होंगे, 600 से ज़ायद टेस्ट विकेटें हासिल करने वाले अनिल कुंबले जिम लेकर के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेटें हासिल की हों। अनिल कुंबले के बाद साउथ अफ्रीका के एडी बार्लो आते हैं। 30 टेस्ट मैचेस खेलने वाले एडी बार्लो ने रन्स भी बनाए हैं और विकेटें भी हासिल किए। ये एक रिलायबल खिलाड़ी थे। पॉल एलर्ट, जिन्हें हम एक कमेंटेटर की हैसियत से जानते हैं, इनने टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, 13 टेस्ट और 13 वनडे, लेकिन बैक प्रॉब्लम की वजह से वो क्रिकेट जारी ना रख सके। हर पाकिस्तानी का खून सिरसांत को देखकर खौल जाया करता है। सिरसांत ही वही फील्डर थे जिन्होंने 2007 के आलमी T20 कप के फाइनल में मिसबाह उल हक का स्कूप किया हुआ शॉट कैच कर दिया था। 2022 के बाद क्रिकेट पर नज़र डालें तो पाकिस्तान टीम में अबरार अहमद आए हैं, जो चश्मा पहन के लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। पूरी लिस्ट लिख दी, अब ये लो जाओ दिखा देना जाके।